गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो गई मामू। विराज की सुबह आज बहुत जल्दी हो गई है और अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और हम लोग बस निकले हैं बेंगलोर से चेन्नई की तरफ। तो आपको दिखाते हैं विराज क्या क्या मस्तियां करते हैं आज दिन भर में। आज हम लोग बहुत सुबह सुबह बेंगलोर से निकल पड़े हैं चेन्नई के लिए। और सुबह निकलने का कारण ये है कि बेंगलोर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। अगर आप 6-7 बजे के टाइम पर बाहर निकलते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, और 8-9 बजे अगर आप निकल जाते हैं गलती से भी तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा कि आपको 2-4 किलोमीटर जाने में ही 1 घंटे का वक्त लग जाएगा। तो इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम सुबह सुबह उठ के निकलेंगे। और हमको लगता है कि हमारा बहुत सही फ़ैसला था। ट्रैफिक बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है, और बाहर इतने खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा लगता है कि दुनिया का जो सबसे खूबसूरत जो चित्रकार है वो नेचर है। इतनी बढ़िया वाइब्स आ रही हैं और बहुत खूबसूरत, दूर कहीं सूरज उग रहा है और बहुत सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। आप देख भी सकते हैं वीडियो में, बहुत अच्छा लग रहा है और मौसम भी बहुत अच्छा है। अच्छी बात यह है कि ये सड़कें भी बहुत अच्छी हैं, बेंगलोर से चेन्नई की सड़क भी बहुत अच्छी है। मैंने सुना है कि एक एक्सप्रेसवे भी है, पता नहीं वो बन रहा है या बन गया है, लेकिन हमको वो एक्सप्रेसवे मिला नहीं। हम थोड़ा भटक भी गए और हम हाईवे से, जो बेंगलोर और चेन्नई का हाईवे है उससे जा रहे हैं। तो कुछ कुछ जगहों पे ये हाईवे ख़राब भी है, कुछ कुछ जगहों पे बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारा काम इस हाईवे में हो रहा है, लेकिन ओवरऑल सड़क बहुत अच्छी है। और यहाँ भी आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, हम सुबह सुबह निकले तो हम भी नाश्ते के लिए देख रहे हैं कि कौन सी जगह बहुत अच्छी है, और हम लोग भी नाश्ते के लिए वहीं रुके जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमको बहुत अच्छा नाश्ता मिला। और यहाँ के रेट भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे प्राइस पे आप बहुत बेहतरीन और ताज़ा स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। अभी आपको दिखाई दे रही है चेन्नई एक्सप्रेस, पता नहीं कौन सी ट्रेन है, ट्रेन भी जा रही है और बहुत खूबसूरत नज़ारे यहाँ के हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। बाहर पूरी हरियाली है और अभी ये जून का महीना है, हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई तो शायद और ज़्यादा हरियाली दिखाई दे रही है। और रास्ते में नारियल और बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की मिल रही हैं, हम कुछ कुछ चीज़ें खरीद भी रहे हैं, जैसे अमरूद कटे भी मिल रहे हैं और खीरा भी मिल रहा है। खीरा हम अवॉइड कर रहे हैं, पता नहीं कैसे हाथों से काटा होगा ये सब सोचकर, लेकिन मज़ा आ रहा है। और बहुत सारी झीलें भी दिखाई दे रही हैं, चेन्नई में बहुत सारी झीलें भी हैं और ऐसा लग रहा है कि हम अब चेन्नई पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी सी पास में। अभी हम मार्केट में आए सामान लेने के लिए और चेन्नई में ज़बरदस्त बारिश हो रही है, गाड़ियां रुक गई हैं यहां पर और ट्रैफिक यहां भी कम नहीं है।